मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती गुरुवार को मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेमावर के नर्मदा तट पहुंची। यहां उन्होंने मां नर्मदा में स्नान कर भगवान सिद्धनाथ महादेव की पूजा अर्चना कर जल अभिषेक किया। पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने पुनः नेमावर आकर जैनार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। उमा भारती ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सुषमा दीदी के निधन की खबर सुनने के बाद से ही मन व्यथित था, हृदय की व्याकुलता नहीं जा रही थी। नर्मदा के नामी स्थल नेमावर में स्नान कर भगवान सिद्धनाथ रिद्धनाथ के पूजन और जैन आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन कर मन शांत निर्मल करने आई हूँ। सुषमा दीदी मुझसे उम्र में बड़ी थी, मेरे लिए माँ जैसी थी। उनका मुझ पर बहुत स्नेह था। कई बरस तक हमने साथ काम किया है, लेकिन पिछले 5 सालों से हमारे संबंध बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो गए थे। उन्होंने एक अच्छी विदेश मंत्री होने का कर्तव्य निभाया है, जिसे आज पूरी दुनिया उन्हें मानती है। उसी के साथ वो एक आदर्श पत्नी और आदर्श माँ भी थी। निधन के बाद बहुत बेचैनी हुई ज्यादा। हमने महाराज से भी कहा कि सन्यासी को मोह से परे होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मोह नहीं है, स्नेह का भाव है। क्योंकि वो बड़ी बहन थी, 9 साल बड़ी थी, लेकिन माँ जैसी। और इन 5 सालों में जो मैं मंत्री रही, हम हफ्ते में 3 घंटे के साथ बैठे ही बुधवार को मोदी जी के साथ। इसके अलावा भी पार्लियामेंट और राज्यसभा में साथ बैठे थे। उनने मुझ पर स्नेह की बरसात की और वो एक अलौकिक महिला थी। पूरे देश में उनका नाम था। बहुत सफल विदेश मंत्री थी और सफल माँ थी, सफल पत्नी थी। मतलब हर तरह से वो उनका जीवन कम होता रहा है। और मेरे हृदय की व्याकुलता नहीं जा रही थी। बहुत दिनों से मेरे मन विचार था, लेकिन अचानक मैं आज बोली कि मैं जाऊँ। और महाराज जी के यहाँ विराजमान है विद्यासागर महाराज, मैं उनके बारे में मानती हूँ कि ऐसे लोगों के कारण ही धरती टिकी हुई है। धरती में इतना पापाचार बढ़ गया है कि जो धरती में एक व्यवस्था है, ये व्यवस्था कानून के कारण नहीं है, सरकारों के कारण नहीं है, संतों के कारण है। और उन संतों की जो आधार भूमि है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो विद्यासागर महाराज। इसमें महाराज तो चलते फिरते तीर्थ है, उनका दर्शन करना साक्षात भगवान का दर्शन करना है। मैं उनको बहुत ज्यादा मानती हूँ और उनके पास ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।